अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, जुमा मुबारक हो। अभी मैं तैयार हो गया, रेडी हो गया और वज़ू वगैरह सारा कुछ कर लिया है, सुन्नत भी पढ़ ली है यहाँ पे ऑफिस में, और अभी निकलने लगा हूँ नमाज के लिए। तो चले देखते हैं बाहर कितना ज़रा कैसा है। चले, कोई भी नहीं है दफ्तर में, सिर्फ मैं ही आखिरी रह गया। मैं अभी निकलने वाला हूँ, सारे गए हुए अच्छा एक बात बताता चलूँ कि मैं जिस तरह दौड़े लगा रहा था ना मस्जिद के लिए, तो नमाज मुझसे रह गई थी, ठीक है, लेकिन गया हूँ सिर्फ अतहियात तक ही इसको कर सका हूँ। तो पता नहीं कैसे मैं लेट हो गया। दलाड़ा बरो खत्म हुआ उधर चार हम लोग दौड़ो, पता ना पसो लगे सुनत भी मतलब बरो बड़ा रेटो ने खा दी थी, ठीक है। अच्छा ये ब्लॉग में आपको कभी कभी पश्तो भी सुनने को मिलेगी, तो ज़रा ठीक है। यहाँ हम लोग जिधर रहते हैं वहाँ पे लोग पश्तो समझते हैं, पश्तो समझते हैं, पश्तो ये है पर समझते हैं या पश्तो बोलते हैं। पश्तो समझते भी है, पश्तो बोलते भी है, पश्तो लिखते भी है, मगर लिखने का मसला थोड़ा सा और। लिखने का मसला हमारे असल में क्या है कि केपी गवर्नमेंट ने हमारे निसाब से पश्तो को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया है, तो लिखने की बात तो बनती नहीं है कि हमें याद नहीं पड़ता कि हमने पश्तो कौन से क्लास में लिखी पढ़ी जो भी है, ठीक है, हमें याद भी नहीं पड़ता। लेकिन अभी ये है कि आज के व्लॉग में अच्छा यहाँ पे यार लाइट ख़त्म हो गई है। एक तो मेरे बालों का बड़ा मसला है, बाल मेरे बनते नहीं है, या तो ड्राई होंगे या अगर ऑयलिंग थोड़ी सी भी मैं करूं तो फिर ऐसे लगते हैं कि जैसे वो क्या कहते हैं पुरानी पंजाबी फिल्मों वाला हीरो लगते हैं बिल्कुल। है और आज हमने नमाज पढ़ी है, बस अब मैं ये जो हमारा भैया ये क्या नाम है इसका फैजान, से कह रहा हूँ कि क्या खाने में क्या बनाया है। खाने का अभी प्लान करेंगे तो देखते हैं, कोई अंडा फ्राई वगैरह ये कर लेंगे या कोई अंडे हाँ नहीं क्या ऑमलेट वगैरह बना लेंगे बस। अच्छा अभी इस तरह है कि आज हम इस पर अभी प्लान करते हैं, आज फ्राइडे भी है चूँकि वीकेंड भी है आगे, तो अभी हो सकता है कोई प्रोग्राम बन जाए नमाज वगैरह का, क्योंकि केपी से ताल्लुक़ है हमारा। तो एजाज साहब ने अभी रिक्वेस्ट किए कि देखते हैं, एक सजेशन दे रहे हैं बल्कि, कि हो सकता है हम अभी प्लान बनाएं किसी कबाब वगैरह के लिए, ठीक है, चपली कबाब मशहूर भी है यहाँ के, तो वहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह, देखते हैं कि क्या होता है। फिर ये लाइट का मसला आ गया, चलें ऑफिस। अच्छा चलें ठीक है, अब तक के लिए इतना ही है, फिर आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी लंच का डिसाइड हो गया और थोड़ा सा ये शॉर्ट आप मुलाहिज़ा फरमाएं, आगे हैं काफ़ी कोशिश के बाद हमें कबाब मिल गए हैं आखिरकार, और ये अभी हम खाने लगे हैं। तो ये हो गया लंच का हमारा प्रोग्राम डिसाइडेड है।